बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार मिल्क शेक की रेसिपी दे रही हूँ। इसका नाम है मैंगो कस्टर्ड मिल्क शेक। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, बर्फ़। यहाँ पर मेरे पास ये इंस्टेंट कस्टर्ड मिक्स है जो मैंने बना के ऑलरेडी ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। आप नॉर्मल जो कस्टर्ड पाउडर से मिल्क कस्टर्ड बनाते हैं, ये वही कस्टर्ड है और मैंने ऑलरेडी इसको बना के फ्रिज में रख दिया था। इसके साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैंगो प्यूरी। ये देख लें, अगर आपके पास फ्रेश मैंगोज़ हैं तो आप वो भी छील के यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं मैंगो प्यूरी यहाँ पे जो हमारे पास बाजार से मिल जाती है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और साथ में हमें चाहिए होगा मिल्क, थोड़ी सी हमें शुगर ऐड चाहिए करनी होगी। ठीक है, तो मैं बताती हूँ उसको स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लेंडर ले लीजिएगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी मिल्क, तकरीबन 750 ml जो है मैंने मिल्क डाला है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कस्टर्ड। कस्टर्ड में थोड़ी सी शुगर होती है, आपको पता होगा कि जब आप कस्टर्ड मेक करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी है। तो आधा कप जो है मैंने ये शामिल कर दी है कस्टर्ड। थोड़ी सी हम यहाँ पे डाल रहे हैं बर्फ़, बिल्कुल ताकि बिल्कुल चिल्ड बने हमारा। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब मैंगो प्यूरी। ठीक है, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं पहले 2 टेबलस्पून डाल के देखती हूँ कि हमें कितनी ज़रूरत है, उसके बाद फिर आप और अगर चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही चिल्ड और मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड मिल्क शेक रेडी हो चुका है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप आइसक्रीम भी, वनीला आइसक्रीम भी 2 स्कूप ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार इसका थिक एंड क्रीमी सा जो है वो टेक्स्चर आ रहा है पीने में, और आपको कस्टर्ड का भी थोड़ा सा फ्लेवर आएगा और साथ ही में मैंगो का भी फ्लेवर जो है इस मिल्क शेक के साथ आएगा। देखिए, मैं इसको पोर कर लेती हूँ। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा किस कदर ये थिक कंसिस्टेंसी का है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ऊपर से वनीला आइसक्रीम डाल के इसको गार्निश भी कर सकते हैं, और अगर आपको नट्स पसंद है तो आप नट्स भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर स्ट्रॉ लगा लीजिए और ये आपका बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा जो है वो कस्टर्ड मिल्क शेक रेडी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।